सम्मेलनों में आप गए हैं और आप मैं आप उनका और ज्यादा इंट्रोडक्शन न देते हुए और उनको सीधा मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां दें, तालियां बजाएं डॉक्टर वेलाराम जी के लिए, जो आपसे अपने अनुभव शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह जिस जनजाति क्षेत्र से वो लोग जुड़े हुए हैं और जनजाति क्षेत्र में जो लोग जो कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं वो किस रूप से इकोसिस्टम और स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बात करते हैं। आपके बीच में वेलाराम जी प्लीज। थैंक यू। सामने बैठे हुए सभी इस उदयपुर से शहर से आए हुए सभी आनंद लेने के लिए फतेह सागर की पाल पर झीलों की नगरी के इस स्थान पर जो सुंदरता है उसका आनंद लेने के लिए आप पधारे हुए हैं। मेरी तरफ से आप सबको जय कुदरत जय प्रकृति, क्योंकि जय कुदरत और जय प्रकृति का ये जो मंच है इस समय वो ये कहता है और वो इस तरह से कहता है कि आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है। अभी मैं जब सामने मंच पर बैठा था इस वृक्ष के जब फूल मुझे दिखते हैं, सामने बैठे हुए जब फूल दिखते हैं, जो आनंद आप ले रहे हैं वो दुनिया में इस समय स्वर्ग से बढ़कर है यहाँ पर, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ आनंद क्या है, आनंद सुख क्या है। वो एक ऐसी चीज है कि मेरे सभी कलाकारों ने यहाँ संदेश दिए हैं। मैं भी एक गांव का छोटा सा आदमी होने के नाते भी एक छोटे से दो तीन संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहला संदेश ये कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा माँ बाप दोनों बैठे हुए हैं और उनका छोटा सा बच्चा कोई एक्शन कर लेता है तो पत्नी बोलती है देखो ये कर रहा है, और पति खुश होता है, पत्नी खुश होती है, ये आनंद होता है। इस दुनिया में आनंद और सुख इसको कहते हैं। और उसी रूप में मैं डॉक्टर वेलाराम गोगरा डूंगरपुर जिले का पाल देवल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना चाहता हूँ, आज जैसे घनघोर ऊपर बादल थे, बीच में हम थे और नीचे जब धरती थी, यहाँ पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि धरती एक सेल है, मानव दूसरा सेल है और आकाश तीसरा सेल है, अर्थात तीन टॉर्च की ये सेल है, तीन टॉर्च का सेल। और जिस दिन धरती माता, मानवता और प्रकृति का रिश्ता एक साथ मिलता है उस दिन पूरे विश्व में ही नहीं आम मानव को सुख और शांति मिलती है, यह संदेश मैं आपको कहना चाहता हूं। और इस संदेश के तहत मैं आपको इस संदेश को जो अवरोध कर रहा है, जो इस संदेश को ठीक करने में जो नुकसान पहुंच रहा है उसमें बीच की मानवता क्या कर रही है, वो ये कर रही है, फिर एक कहानी के रूप में बताना चाहता हूं। एक पति और पत्नी पैदल पैदल रास्ते रोड पर जा रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे, रोड की तरफ जा रहे थे, उसी समय एक साइकिल वाला निकला, साइकिल वाला साइकिल चला रहा था, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी, उसी समय एक साइकिल निकली उसके पीछे उसकी पत्नी बैठी थी और वो साइकिल चला रहा था, तो जो पैदल जो पत्नी चल रही थी वो क्या बोलती है, अपने भी साइकिल ले आते, आप साइकिल चलाते तो आपको पैदल लगाते, आप आराम से अपन जाते, पैदल नहीं चलना पड़ता। तब उस आदमी की पहुंच नहीं थी साइकिल लेने की, लेकिन उसकी पत्नी के प्रेस करने पर साइकिल देने के लेने के लिए मजबूर किया, उसने क्या क्या धंधा किया और एक दिन साइकिल खरीद के वो उसकी पत्नी के लिए लाया। एक दिन वही पति पत्नी रोड पर साइकिल चलाते जा रहे थे, उसी समय एक स्कूटर वाला निकला, एक स्कूटर वाला निकला, उसके पीछे एक पत्नी बैठी हुई थी, उसकी स्कूटर पर पत्नी बैठी थी, तो रोज जो साइकिल पर चल रहे थे पति पत्नी, उसमें पत्नी ने कहा देखो आपको पैदल लगाना पड़ता है, हाँ आपको ऐसा है तो अपने स्कूटर ले आइए।
और वो स्कूटर पर फिर चोरी चकारी भ्रष्टाचार करके वो मोटरसाइकिल ले आया, और मोटरसाइकिल जिस दिन ला करके चला रहा था उसी दिन एक बस गाड़ी निकली, गाड़ी तो वो पीछे बैठी हुई बोली अरे बरसात आ जाएगी, भूख लगती है, क्या करें। इसी तरह से ये कामना इच्छाएं लगातार चलती रही और भोगवाद की दिशा में पूरा मामला बन गया, जिसकी वजह से आज प्रकृति कुदरत को नुकसान हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इस मानवता के नजरिए मैं कहना चाहता हूँ, तथा कथित भोगवादी शक्तियों प्रकृति के मालिक बनने की बात मत करिए, प्रकृति को मालिक समझने की बात करिए, संदेश देना चाहता हूँ। आज मैं आपको ये और एक चीज उदाहरण देके कहना चाहता हूँ, मेरे पास में कोई साथी आ जाएगा, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, दौड़ के देखो कौन हिम्मत वाला लड़का मेरे पास आए, आइए एक जना, कोई भी दौड़ के एक जना जल्दी आइए, कोई आइए जल्दी आइए, हिम्मत से आइए, आइए हिम्मत, इतनी चिंता मत करिए, आइए आइए आइए, यस सर आप आइए हैं। ऐसा है, मैं कुदरत और मानवता के बीच में रिश्ता बता रहा हूँ। आज कुदरत के साथ में हमने क्या किया है, हमें थोड़ी देर के लिए इसको धरती माता समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए लोकेश जी को थोड़ी देर के लिए धरती माता समझ लीजिए। आज भोगवादी शक्तियां ये जितना माल था ना इनका, हाथ ऊंचा करिए, ये मार्बल और मिनरल के रूप में इस धरती माता से बड़े बड़े पैसे वालों ने निकाल लिया। उसी तरह से जंगल जितना भी था ये लोकेश के जंगल से उखाड़ लिया धरती माता से, और जंगल उखाड़ लिया, ये माल निकाल दिया, और इनके अंदर जो खून था वो हैंडपंप से पानी के रूप में, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में और निकाल दिया इनका। बहुत बढ़िया लोकेश जी का ये हो गया, और कुछ जमीन बची थी वहाँ पर खड्डे खोद करके सरकार पर्यावरण विकास की बात करती है, और अब शरीर में ये हो गया है कि इनका शरीर क्या इस धरती माता का शरीर देखने लायक रहा, नहीं रहा। आज कुदरत के सामने हम ये कर रहे हैं, इसलिए इसका नुकसान क्या हो रहा है, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है गोद के अंदर, आपने देखा होगा सिर पर हाथ सहलाती है, हाथ से सिर को सहलाती है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है तो उसकी पूंछ की तरफ चाटती है, लेकिन वही बच्चा अगर दांत गड़ाता है तो वही सहलाने वाला हाथ झपट मारता है और चाटने वाली माँ लात मारती है। आज भी हम लगातार भूचे खा रहे हैं, फिर भी हमको समझ नहीं आ रही है। इसलिए जनजातीय क्षेत्र के जनजातियों का जो मैसेज है वो ये है, जो उनकी संस्कृति के बीच में, उनके बीच के उनके गीतों और कीर्तनों में, जिसके मेरे पास गीत हैं लेकिन अभी मेरे पास साथी नहीं है, उस गीतों के माध्यम से जनजाति संस्कृति में ये कहा जा रहा है, ए भोगवादी शक्तियों प्रकृति के मालिक बनना बंद करो, और प्रकृति के मालिक बनोगे तभी मानवता की संरक्षण हो सकेगा, यह संदेश हम देना चाहते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको इस दो उदाहरणों के साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, मैंने ये उदाहरण दिया इसके मतलब यह है कि हमारी की झीलों की नगरी में पूरी तरह से हमारे वृक्ष होने चाहिए, हमारा पानी साफ होना चाहिए, और यहाँ पर पूरे देश के अंदर ये उदयपुर स्वर्ग गिना जाना चाहिए, वो हम सबको संकल्प लेना चाहिए, ये मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथियों, आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बातें बहुत हैं, आने वाले टाइम में बहुत करेंगे, लेकिन मेरे ये छोटे से संदेश थे, और उस संदेश को मेरे पास कैसे आया, मैं एक जंगल में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला वेला भाई, मेरा पुराना नाम था वेला भाई, वहां से वेला राम हो गया, और वेला राम होके डॉक्टर वेला राम गोगरा हो गया, और वो फिर मैं जिनेवा दो बार चला गया, एक बार श्रीलंका चला गया, और घूमने के बाद जब मैंने ये देखा, ए प्यारो वापस वेला भाई
वेला भाई के टाइम में जो प्रगति की व्यवस्था तो थी उसका उजागर करने का टाइम है, ताकि विश्व मानवता को संदेश जाए, विश्व मानवता सावधान हो जाए और भोगवादी शक्तियां सावधान हो जाए और हम आगे बढ़े। ये मैं संकल्प लेने के साथ में आपसे आग्रह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। तब यहाँ पर स्टेज पर आए हुए छोटे छोटे कलाकारों ने जो संदेश दिए, उस तरह से एक टीम टीमाते दीपक ने कहा मैं कोशिश करूंगा, हम सब ऐसी ही कोशिश करेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आभार। जय हिंद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने जो चीज कही है वो आप सबने सुनी बेहतर तरीके से। हेड्स ऑफ डॉक्टर साहब वेला राम जी, वेला भाई, और देखिए कितना बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात कह दी। हम शहरवासी उस बात को समझ लें तो हमारा जीवन खुशहाल होगा नटशेल में। और आपके बीच में नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं।